दिल्ली में हुए दंगों के लिए कई राजनेताओं के बयानों को लोगों को उकसाने के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है, जहां बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, अभय वर्मा समेत कई अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही जा रही है। तो वहीं अब एक और नया वीडियो सामने आया है। यह नया वीडियो रागिनी तिवारी नाम की महिला का है, जिसे दिल्ली के मौजपुर में दंगा भड़काने को लेकर दोषी माना जा रहा है। रागिनी तिवारी ने 23 और 24 फरवरी को लगातार यहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। वो लगातार भड़काऊ बातें करती रहीं, लोगों की भीड़ को भड़काती रहीं, सड़क जाम करती रहीं। इतना कुछ करने के बाद भी वह अभी तक दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो अक्सर ये देखा जाता है, भड़काऊ बयान भारतीय सियासत में बहुत ज़्यादा होते हैं। वो ऐसी बयान देते हैं और वो ऐसी का लेडी वर्जन देखने को मिला दिल्ली में। आ रहे भाइयों उधर से पत्थरबाजी कर रहे हैं, शहीनबाग 70 दिन से हटने नहीं, यचना नहीं, अब रन होगा, युद्ध अब भीषण होगा, हटने नहीं है, तुम्हें तुम्हारे राम की कसम, हटना नहीं है, डट के मुकाबला करो। अब मन बढ़ गया है इस सबको, अब हटना नहीं है, हमें हमारे इष्ट देवता की कसम, हटना नहीं है, जम के मुकाबला करना है, अब जैसे भी होगा मुकाबला ही।